हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को मालूम है, टाइम सीरीज हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर टाइम सीरीज का जो एग्जाम्पल नंबर लास्ट है हमारा, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर हम लोग ने सारी कम्प्लीट कर ली है 4.3 के अंदर। 4.2 मैंने कम्प्लीट करवा दिया, 4.3 के अंदर लास्ट सम है जो कि 4 नंबर का है। खास स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली कहा था कि सर ये सम्स हमको कम्प्लीट करवा दो, ठीक है। तो 4 नंबर का जो सम्स है 4 क्वार्टाइल वाला, वो आज हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो वैल्यूएशन क्या दी है। द होलसेल प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर फ्रॉम द डिफरेंट क्वार्टाइल ईयर क्यों, ओके, द ऑप्टेन इज फॉलोइंग, फाइंड द ट्रेड बाय 4 क्वार्टाइल मूविंग एवरेज। देखो 4 क्वार्टाइल मूविंग एवरेज कहा गया है, ठीक है, यानी कि आपको 4 साल, सिंपल भाषा में बोलूँ तो 4 साल की एवरेज लेनी है, ठीक है, ओके। तो प्रीवियस वीडियो में आपको याद हो तो मैंने ये एक हिंट टॉपिक बताई थी, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो एक बार, नीचे प्लेलिस्ट गिवन है। और चैनल पर न्यू हो तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर देना। उसमें मैंने ये कहा था कि ऊपर के 2 और नीचे के 2 आपको छोड़ देने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसा समझाया था कि नहीं। यानी कि ऊपर की 2 रो आपकी छूटेगी और लास्ट की 2 रो छूटेगी। उसके बाद एक और टॉपिक था कि आपको डिवाइड बाय 8 करना है, डिवाइड बाय 8 करना है, खबर है ना, ठीक है। चलो मैं फॉर्मेट क्लियर कर लेता हूँ। तो हमारा फॉर्मेट है YTY, 4 मंथ 2 मंथ एंड एवरेज, ठीक है। चलो तो ईयर हमको गिवन है, देखो ईयर इसमें 2013, 2014 एंड 2015, 3 ईयर है, बट उसके अंदर भी क्वार्टर है Q1, Q2, Q3 इस टाइप से। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ 2013 का Q1, Q2, Q3। और ये सम्स के लिए मैंने आपको क्लियरली बोला है कि एक एक लाइन छोड़ के आपको सम्स की काउंटिंग करनी है। देखो मैंने एक एक लाइन छोड़ दी है। देखो जैसे कि यहाँ पे 2013 है तो उसका Q1, Q2, Q3, Q4, उसके बाद 2014, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट अगर मैं सेंटर में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। यानी कि एक स्पेस, एक लाइन मेरी छूट गई है, Q1, Q2, Q3, Q4। उसके बाद 2015, देखो ये ऑलरेडी छूट गई Q1, फिर देखो यहाँ पे भी एक स्पेस छूट गई है Q2, Q3, Q4, ओके। इस टाइप से पहले तो फॉर्मेट आपका कंप्लीट होएगा तो आंसर आपको इजी वे में मिल जाएगा। टी तो हमको मालूम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, जो होता है, ओके। वाई की वैल्यूएशन देखेंगे तो वाई हमको गिवन है 1010, 10, 125, 135, 145, 152, 155, 162, 155, 168, 131, 124, 132 एंड 153, ठीक है, ये वैल्यूएशन गिवन है। सबसे पहले हमको 4 ईयर्स की क्या करनी है, टोटल करना है, यानी कि जो सबसे पहले 4 साल है उसको हमको टोटल, और उसके पहले ऊपर की 2 और नीचे की 2 लाइनिंग छोड़ दो। तो देखो ये ऊपर की फर्स्ट लाइनिंग, अच्छा चलो थोड़ा बड़ा कर देते इसको, ये ऊपर की ये दोनों छूट आएगी, ठीक है, देखो ये दोनों छूट आएगी, यहाँ पे कोई वैल्यूएशन नहीं आएगी, ओके। चलो 4 ईयर्स की देखो कहाँ पे हो रही है, टोटल सेंटर कहाँ बन रहा है उसका, तो सेंटर साइड Q2 और Q3 के बीच में बन रहा है। चलो ये चारों चार वैल्यूएशन का टोटल करो, 110, 110, 125, 135, तो टोटल हो जाएगा 480, ठीक है। चलो ऊपर वाली को एक को कैंसिल कर दो और नीचे वाली की एक को ऐड कर दो, माइनस करो और प्लस कर दो, तो टोटल हो जाएगा 515। उसके बाद भी ऐसे ही करना है, 110 को माइनस करो और नीचे 152 को ऐड कर दो, ठीक है, तो हमारा आंसर सेंटर का 557। एक बार अगर आपका कंप्लीट हो गया तो फिर वांधा नहीं आएगा। उसके बाद 587, नेक्स्ट हमारा 620। आप लोग चेक कर सकते हो कि एलसी के अंदर स्पीडली चेक करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा ये सम्स को स्कोर, और ये सम्स इतना ईजी है कि आप 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। उसके बाद 152, 155, 168 और 131, तो हमारा आंसर 606। अब देखो यहाँ पे 3 वैल्यू और 4th वैल्यू मेरी यहाँ है, ठीक है, खास ध्यान रखना। तो 4th वैल्यू को मैंने यहाँ पे 124 को प्लस कर लिया, यहाँ पे मेरा आंसर हो गया 578। अब चलो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ की 2 वैल्यू इधर है, देखो 168, 131, 124, 132, तो उसका टैली हो जाएगा 555, ओके। अब चलो 131 ऊपर से ही लिया है, ठीक है, 124, 132, 153, तो इसका हो जाएगा 540। अब देखो 3 ही वैल्यूएशन बची है, कितनी बची है, 3 बची है, तो 3 का तो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग को 4 चाहिए तो 4 का ही करना है, ठीक है। चलो यहाँ तक हम लोग हो जाते हैं स्टॉप। चलो बाकी सबको मैं इरेज कर देता हूँ जो काम का नहीं है, ओके, ये सारा टॉपिक मैं इरेज कर देता हूँ, ओके, क्लियर। फिर से आ जाते हैं,
अब देखो फोर तो हो गया, अब टू की पेयर बनानी है। चलो पेयर बनाओ फटाफट। चलो पेयर का सेंटर होएगा हमारा इधर बीच में 995 बराबर, फिर उसके बाद हमारा 1072, उसके बाद 1144। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो नहीं क्लियर होएगा, ठीक है? तो फर्स्ट वीडियो भी देख लेना। 587620 तो हमारा टेली 1207, 620606 तो हमारा आंसर 1226, उसके बाद 1184। और देखो 578 यहाँ पे लेना है और 555 यहाँ से लेना है, तो टैली हो जाएगा 1133, ठीक है? उसके बाद 555540 यानी 51095 हमारा ये टैली हो जाएगा, ठीक है? 1095। अगर कोई डाउट हो रहा है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करना है, डिवाइड बाई 8 जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। देखो यहाँ पे नीचे की भी दो छूट गई ऑटोमेटिक, हम लोग को स्पेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहाँ पे डैश कर देना आपको ऑटोमेटिकली, ठीक है? चलो हो गई। तो 995 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 124.34, उसके बाद 1072 डिवाइड बाई 8 134, इसी तरीके से आपका डिवाइड बाई 8 कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं आंसर दे देता हूँ, आप लोग को खाली चेक करना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका पूरा सम्स कंप्लीट हो जा रहा है। चलो बाकी सब मैंने रिमूव कर दिया, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हो और इसको चेक कर सकते हो, ठीक है? तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपके फोर इयर्स मूविंग एवरेज मेथड भी यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब एक्सरसाइज के अंदर जो सारे सम्स है उसकी आप प्रैक्टिस करो, अगर कोई नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है? चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।